तो Redmi Note 7 की बैंडिंग को लेके जो मार्केट में मिथ्स चल रही है कि ये फ़ोन जो है वो बहुत जल्दी बैंड हो जाता है, इतना पावरफुल नहीं है। हालांकि पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी Redmi Note 7 के कुछ फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जिस वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। हालांकि मैंने भी आपको ये बताया था कि फ़ोन जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिजिकली स्ट्रांग होने में और उस फोन के बैंड होने में काफ़ी फर्क है, क्योंकि बैंड का मतलब हो गया फोन के बीच में से उसको मोड़ कर दो, टुकड़े कर देना। तो इसके अंदर कितनी सच्चाई है, क्योंकि YouTube पर बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि जो Redmi का Note 7 है वो बैंड हो जाता है बहुत जल्दी। तो इसके बारे में कितनी सच्चाई है और क्या उसके हैं मिथ्स, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड गुरुजी। दोस्तों, ये है Redmi Note 7 के बैंड की वीडियो। आप देख सकते हैं कि कैसे फ़ोन की ऊपर के साइड में इसको कॉर्नर से पकड़ के इस पर फोर्स लगाया गया है, और फोर्स जो है वो इतना मतलब तेज़ है कि जो आप देख सकते हैं नीचे जो टेबल वगैरह है वो भी काफ़ी हद तक हिल रही है साथ में। तो नोट 7 की बात नहीं, यहाँ पर अगर कोई भी ब्रांडेड या कितना भी मजबूत हो, कोई आईफोन हो, चाहे सैमसंग का नोट 8 हो, चाहे नोट 9 हो, अगर हम एक गलत तरीके से और इतना फोर्सफुली अगर किसी भी फ़ोन को अगर हम यू बैंड करेंगे तो सीधी सी बात है कि वो फ़ोन टूट ही जाएगा। अब इस फ़ोन की जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं कि इसको गलत तरीके से तोड़ के इसकी क्या कंडीशन की गई है। तो मेरी नज़र में ये एक तरीके का बैंड टेस्ट तो बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे बात की है कि कुछ वीडियोज़ ऐसे भी थे जहाँ पर Redmi Note 7 जो है वो बैंड टेस्ट को क्लियर कर रहा था, और एक आधा वीडियो ऐसा भी था जहाँ पर बैंड टेस्ट के अंदर दिखाया गया कि पूरा का पूरा जो फ़ोन है उसको कर दिया डैमेज। तो दोस्तों, इसकी जो सच्चाई है वो आपको बताता हूँ कि बैंड टेस्ट जो है, पहली बात तो आप हाथ से नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। फ़ोन का जो एक जो सेंटर होता है वहाँ पर सारा फोर्स लगना चाहिए, है ना, ऐसे बहुत सी ऐसी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, फिर उसको जो है बैंड टेस्ट करना चाहिए। अगर मैं ऐसे बात करूँ कि मेरे सामने अगर कोई टीवी लगी है, एलसीडी लगी है, तो मैं उसको भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन उससे वो बैंड का जो नाम दिया है कि इसका जो बैंड टेस्ट है वो फेल हो गया, वो नहीं होगा। क्योंकि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी पे निकालना किसी चीज़ को, अगर आज मुझे किसी चीज़ पर गुस्सा आ रखा है और मैं उस चीज़ को तोड़ना चाहूँ तो मैं किसी भी चीज़ को तोड़ दूंगा, नॉर्मली कोई भी चीज़ होगी उसको मैं तोड़ दूंगा, लेकिन उसको बैंड टेस्ट का नाम देना वो गलत है। हालांकि कुछ बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं जो बैंड टेस्ट दिखा रहे हैं कि ये हमने बहुत तरीके से किया है और काफ़ी हद तक सही है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो एक्चुअल का बैंड टेस्ट नहीं था। क्योंकि अगर हम किसी गलत तरीके से अगर हम बैंड टेस्ट कर रहे हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्सफुली कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि वो जो चीज़ है वो टूटनी टूटनी है। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे हाथ में अभी एस पेन है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसको बीच में से तोड़ने की कोशिश करता हूँ तो सीधी सी बात है कि हाँ ये टूट जाएगा, कमज़ोर सा है, लेकिन थोड़ा सा पावर लगाना पड़ेगा। लेकिन वही अगर मैं बात करता हूँ इसके बैक पैनल की, है ना, अगर इसके बैक पैनल जो है कमज़ोर है, यहाँ पर एक जॉइंट भी है, अगर मैं इसको यूँ तोड़ना चाहूँगा तो 1 सेकंड में टूट जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसके साथ जो है वो बैंड टेस्ट कर दिया और ये हो गया है फेल। वो बैंड टेस्ट नहीं है, मैंने इसको बस जस्ट एक तरीके से तोड़ा है ना। तो Redmi Note 7 जो है कंपेरेटिवली देखा जाए तो कि हाँ थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि जैसा मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो है सैमसंग नोट 9। अब उसके कंपेयर में अगर मैं देखता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा सा वो फिजिकली कमज़ोर लगेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि Redmi Note 7 एकदम ही घटिया सा फ़ोन है या वो टूट जाएगा नॉर्मली। अब अगर हम फ़ोन को अगर तोड़ने की बात कर ही रहे हैं तो ऐसा कौन होगा जो अपने फ़ोन को हाथ में लेके ऐसे तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेगा, पहली बात तो यहीं पर क्लियर हो जाती है। तो फ़ोन मान लिया कि अदर जो Redmi के जो ब्रांड है, सॉरी ब्रांड नहीं, यहाँ पे जो Redmi के जो फ़ोन्स है उनके अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि Redmi का जो फ़ोन है उसे आप तोड़ के दिखा दोगे कि बहुत ही बेकार फ़ोन हो गया या बहुत ही एक चीप क्वालिटी का फ़ोन हो गया, ऐसी बात नहीं है। Redmi का जो Note 7 है वो काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ मार्केट में आया है, और उम्मीद है मेरी कि मार्केट के अंदर अपनी एक अच्छी जगह भी बना लेगा। Redmi Note 7 के बारे में जो बैंडिंग को लेकर जो मिथ्स थी वो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि उनको मैं कुछ रिजॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि कंपनी चाहे सैमसंग हो, चाहे Redmi हो, चाहे Vivo हो, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उस फ़ोन की जो सच्चाई है, क्या उस फ़ोन में अच्छी बातें हैं और क्या बुरी बातें हैं, वो यहाँ पर वीडियो में बताई जाए। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, और Redmi Note 7 के जो स्पेसिफिकेशंस की जो वीडियो थी उसकी लिंक भी आपको यहाँ पर दे दी है मैंने, आप वहाँ पर जाके Redmi Note 7 का जो स्पेसिफिकेशंस है, जो फीचर्स है, उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं।